नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। आज चंबा मुख्यालय में पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में उपायुक्त विवेक वाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर करण हितैषी, एसडीएम शिवम प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त ने एक बैनर और कैसेट का विमोचन किया और लोगों को कोरोना के बचाव के लिए जागरूक करने के लिए प्रशासन ने पहाड़ी गायक गुलशन कुमार का धन्यवाद किया। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, जितना हो सके उतना कम से कम बाहर निकलना चाहिए और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। अगर किसी को इस दौरान कोरोना के लक्षण आते हैं तो उसे इस चीज को छिपाना नहीं बल्कि प्रशासन और मेडिकल स्टाफ का सहयोग करना चाहिए। पेश है संबंधी हमारे सहयोगी राजेंद्र ठाकुर की एक रिपोर्ट। अब आपके माध्यम से हम ये जो इस बार कैंपेन है रिगार्डिंग स्टेट वाइड कैंपेन है, जिसका डिस्ट्रिक्ट का चैप्टर जो है आज से शुरू हुआ है, क्योंकि अब क्योंकि ओपनिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज जो हो चुकी है और ये हम सबको पता है कि अभी हम सबको लग रहा है कि कोविड का दौर है वो खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये कैंपेन इसलिए है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे जिस तरह फेस मैनर में लॉकडाउन खुला था, अनलॉक की जो प्रक्रिया एक तरह से धीरे धीरे सारी जिंदगी जो काम है आप बाजारों में भी देख रहे हैं, आप आसपास भी देख रहे हैं, बट ये हमें जो मानसिक तौर पर हम कभी भी ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कुछ एक चीजें हैं जिसका हमें ध्यान जो है वो आने वाले टाइम में जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होती है या इसका एक सही समाधान नहीं आ जाता है तब तक हमें रखना चाहिए। और उसी के लिए आज जो कैंपेन है उसने तीन बातों पे जो है बल दिया। पहला जो चीज है वो है आपका कि जो आप हमेशा मास्क लगा के रखे हैं और जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह में तो आप अपना मास्क लगा रखें। दूसरा इसमें हैंड वॉश का हैंड वॉश में ये है कि आपको हैंड वॉश में जब भी आपको संभव हो सके तो आपके हाथों से, क्योंकि मेन प्राइमरी कॉन्टैक्ट आपके हाथ है, अगर आप हाथों के माध्यम से पूरे संक्रमण है आपके मुंह से नाक से आंखों से जो भी आपका स्थान है यहाँ से आपके अंदर ही वायरस एंटर कर सकते हैं। तो हैंड वॉश जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप अपने मीडिया चैनल के माध्यम से पहुँचाएं